फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये CHS स्कूल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। उसके अंदर ये लिशोड़ा का पेड़ है, विशाल का पेड़ जिसमें फल लगा हुआ है। अब कुछ कच्चे हैं और कुछ धीरे धीरे पक रहे हैं। ये बरसात में ही पकते हैं और फूल इसमें जो है अप्रैल महीने में लगते हैं। अप्रैल के लास्ट में इसमें फल आ जाते हैं। मई भर जो है ये फल तैयार होते हैं। बरसात होते ही ये पकने लगते हैं और पक के ये तैयार हो जाते हैं। कुछ हरे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पके पके हैं, मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ। बहुत ही बल और पुष्टिकारक है। ये देखिए हरे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हरा है, ये हरा मैंने तोड़ के दिखाया आपको। तो ये इस तरीके से पक के तैयार होते हैं। बहुत ही बल और पुष्टिकारक है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में और शरीर के हर अंग को मजबूत रखता है। ये हार्ट, आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, इम्यूनिटी, वीर्य, शरीर के ताकत को बहुत ही अच्छी तरह बढ़ाता है। और ऐसा कहें कि ये बुढ़ापे में भी जो है बहुत ही बल, वीर्य और शक्तिदायक है। तो अभी जो है इस कोरोना काल में सभी चीज़ें जो लेनी है आपको, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली शक्ति प्रदायक चीज़ें, इसका हम आपको आगे बताते चलेंगे। आप लिशोड़े का तना देख रहे हैं, बहुत ही मोटा विशालकाय पेड़ होता है। और जैसे ही लसोड़ा इसको बोलते हैं, इसमें ही लस है और बहुत ही गुणकारी ये पेड़ है। आज हम इस पेड़ के नीचे हैं। इसके छाल भी बहुत उपयोगी हैं और इसके पत्तियां उपयोगी हैं। डाल, लकड़ी, पेड़, फल सब उपयोगी हैं। ये जून में पक गया, बरसात होने की वजह से ये पानी पाते ही पक रहा है। थोड़ा लेट से पकता है, लेट से बरसात आने में। ये बहुत ही सुंदर और बल पुष्टिकारक है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मनुष्यों के लिए बहुत ही गुणकारी है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ये हम लिशोड़ा लेके आए हैं। अभी ये डंडी में लगी हुई है, इसको पानी डाल के पहले ही धो लेंगे अच्छे से। धो लेने से जो है इसका जो लबाव होता है नुकसान नहीं होता। आप बने रहे, अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे। ये पका हुआ है लिशोड़ा, इसका पाक बनाने जा रहे हैं। एक एक करके अलग कर लेंगे। ये साफ किया हुआ धुला हुआ है। अब इसे हम आपको चीनी में डालेंगे। ये दो कटोरी हमने देखिए ये निशोड़ा ले लिया है, इसकी डंडी और ऊपर का हरा पोर्शन अलग कर दिया, जिसे इस्तेमाल नहीं करना है, साफ करके लगा लिया। और इसी के साथ जो है दो कटोरी एकदम भरी हुई हमने शक्कर लिया है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, देखें, ये शुद्ध घी जो है हमने गाय का घी लिया हुआ है, ये गाय के घी को डालेंगे। और इसमें ये अजवाइन और मंगरेला आधा चम्मच लिया है, इधर से सौंफ लिया है, इधर से जो है इलायची वाला ये शक्कर है मिला हुआ, पीसा हुआ है। ये सबसे लास्ट में जब ठंडा हो जाएगा तब हम डालेंगे। और इधर देखें आप, सेंधा नमक है, ये हल्दी है, ये सेंधा नमक है। ये बारी बारी से ये छह चीज़ें हैं डालेंगे। अभी ये देखें, ये घी हम जो है कढ़ाई में डालने जा रहे हैं। ये क्वार्टर जो है कटोरी घी डालेंगे, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा फिर इसमें फ्राई करेंगे। गर्म हो गया है, अब इसमें हम एक चम्मच ये सेंधा नमक डालें, उसके साथ ही हम ये डालें सौंफ डाल दिया। आप देखें ये सौंठ पाउडर है एक चम्मच, सौंठ पाउडर को जो है अदरक सूखा हुआ उसको सौंठ पाउडर कहते हैं, ये सौंठ पाउडर डाल दिए। ये अजवाइन और मंगरेला मिला हुआ है, ये भी डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा हम चला देंगे, थोड़ा ये लाल हो जाए, घी गर्म है, थोड़ा सा चटक जाइए। अब चटक गया, लास्ट में जो है ये हल्दी पाउडर हम डाल के और इसके साथ ही हम लिसोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया और डालते ही जो है इसको चला के मैं घुला दिया। घुला के धीरे से ये देखिए एक कटोरी ये लिसोड़ा डाला, चला दिया। दूसरी कटोरी में मैंने सोडा डाल दिया, थोड़ा इसको हम फ्राई कर लेंगे। लिशोड़ा पक चुका है कढ़ाई में। अब हम इसमें एक कटोरी ये दूसरी कटोरी चीनी डाल रहे हैं। अब इसे जो है हम थोड़ा चलाते चलाते टाइट करेंगे। ये लिशोड़ा के 10 फायदे जो है हम आपको बताते चले। पहला, इम्यूनिटी स्ट्रांग करे। दूसरा, पेशाब में पथरी व पेशाब की कमजोरी दूर करे। घुटने के दर्द
और कमर के दर्द दूर करे। चौथा मर्दांगनी ताकत व वीर्य दृढ़ करे। पांचवा सर्दी खांसी सांस की तकलीफ व अस्थमा दूर करे। छठा पेट को ठीक कर हाजमा सही रखे। सातवां याददाश्त तेज करे। आठवां अनिद्रा दूर कर अच्छी नींद लाए। और आठवां ये त्वचा में आपके स्किन में चमक बढ़ाए, बुढ़ापा दूर करे। दसवां या कील मुहासे जड़ से समाप्त करे। ये 10 फायदे आपको ये निशौड़ा पाक के बताया। ये अच्छी तरह गल जाएगा और गलने के बाद जो है इसको थोड़ा टाइट करेंगे जो आराम से चले। देखें ये तैयार हो गया है निशौड़े का पाक। अब हम इसे बंद करने जा रहे हैं, गैस बंद कर दे रहे हैं, नीचे छोड़ रहा है चीनी। ये जो है इसका यही सिद्धांत है कि इसकी चाशनी जो है हो जानी चाहिए, 3 तार की चाशनी। ये देखिए थोड़ी कड़ी चाशनी हो जाती है तो ये ख़राब नहीं होगा, आपका लंबे समय तक चलेगा। तो चीनी की चाशनी बननी बहुत ही आवश्यक है और पाक जो है ये बहुत ही फायदा करता है चाशनी। तो अब ये पाक आपका तैयार है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें चीनी और इलायची का भूखा हुआ पिसा हुआ इसमें छिड़काव करेंगे ऊपर से। फ्रेंड देखें कढ़ाई से बाहर निकाल रहे हैं इसे, ज़्यादा देर तक कढ़ाई में छोड़ेंगे, ठंडा होगा तो ये उसी में जम जाएगा, निकलने नहीं देगा। और यहाँ निकल जाएगा तो ये आराम से चलता रहेगा। अब जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम जो है इलायची पाउडर आपको डाल के दिखाएंगे जो चीनी के साथ मिला हुआ होगा पिसा हुआ। शाही निशौड़ा पाक जो है अब तैयार हो चुका है। ये ठंडा हो जाने के बाद इसमें इलायची और चीनी मिला हुआ पिसा हुआ ये पाउडर ऊपर से हम डालेंगे। अब ये तैयार है और इसका इस्तेमाल जो है ये देखें डाल दिया जो लास्ट में डालना था, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। आप भी हमारे संग खाएं इसको, ये बहुत ही टेस्टी है, यम्मी बना हुआ है। आप इसे सर्व करें, आप भी इस्तेमाल करें, इसे आप लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।